हाँ सही बात है, कोई नहीं सुन रहा है। अगर बोला जा रहा है तो सीधे बोल रहे हैं कि आप हट जाइए, काम से निकल जाइए, लोगों की कमी नहीं है काम के लिए। पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे? सीधे हटा दिया जाता है, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, अगर बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे कि आप जाइए। क्या दिक्कत आ गई भाई? दिक्कत यह आ गया पेमेंट के लेकर हम लोग को, और अपने अकाउंट से अगर पैसा कोई निकाल लेता है तो उसके विरोध में अगर विरोध करना ही गलत है तो मानते हैं कि गलत। एटीएम में पासबुक नहीं दिया गया, अपने पास रखकर पिन बना लिए, पिन बना के इन लोग के अकाउंट से पैसा निकाल लिए, और इस विरोध में ये बोले कि मेरे अकाउंट से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो इस विरोध में इनको निकाल दिया गया, बोला काम करना है। ये तो बहुत पहले से हो रहा था, जैसे हम लोग पहले पर्सनल अकाउंट में पैसा आता था तो बोला जाता था तो उसमें से निकाल के हम लोग देते थे। इस बार हुआ कि केनरा बैंक का अकाउंट खुलाया गया, ये लोग ओटीपी मांगे, ओटीपी मांगकर फिर पिन तैयार किए, एटीएम तैयार किए, उससे पैसा है, रात में पैसा है, सुबह में पैसा निकल गया। हम बोले यही बोले कि मैम आप पहले भी पैसा मांगती थी, हम लोग निकाल के देते थे। मेहनत हम लोग करते हैं, पैसा 5 महीना 6 महीना पर मिलता है, घर कैसे फुल पेमेंट नहीं चलता, कर्जा लेकर घर चलाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। अक्सर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और आपको जो भी समस्या होती है वो रेलवे इंक्वायरी ऑफिस में आप पता लगाते हैं, चाहे बात कर ले प्लेटफॉर्म टिकट्स की या फिर कौन सी ट्रेन कौन से नंबर पे आती है। लेकिन जो आज पटना जंक्शन का हालात है वो हम आपको दिखाने लेके आए हैं। यहाँ रेलवे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑफिस में खड़े हैं, और ये आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे इंक्वायरी ऑफिस में काम करते हैं। आप ये चेहरे देख सकते हैं, ये लोग आपकी काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन आज ये लोग किस मुद्दे के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं हम इनसे ये जानेंगे। क्या दिक्कत आ गई भैया? दिक्कत यह आ गई पेमेंट के लेकर हम लोग को, और अपने अकाउंट से अगर पैसा कोई निकाल लेता है तो उसके विरोध में अगर विरोध करना ही गलत है तो मानते हैं कि गलत है। मतलब समझ नहीं आया, जैसे कि कंपनी अकाउंट खुलवाई वह हमारे लिए कि भाई सैलरी अब आप लोग का अलग अकाउंट में अपने का आपके अकाउंट में जाएगी, मैंने उस अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया, इस विरोध में किया कि इन लोग का पैसा सारे अकाउंट से निकाल लिया गया, एटीएम और पासबुक नहीं दिया गया, अपने पास रखकर पिन बना लिए, पिन बना के इन लोग के अकाउंट से पैसा निकाल लिए, और इस विरोध में ये बोले कि मेरे अकाउंट से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो इस विरोध में इनको निकाल दिया गया, बोला काम करना है तो कीजिए नहीं तो यहाँ से निकालिए। मतलब मसला ये है अकाउंट से पैसा उस अकाउंट से मैंने अपना पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया, उस वजह से मुझे निकाला। अच्छा, मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, सैलरी भी आ रही है, लेकिन रेलवे आप लोग सैलरी 5 महीने के बाद 1 महीने का सैलरी भेजा गया, 5 महीने में 1 महीने का सैलरी भेजा, और वो भी अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग को हटा दिया जाता है। कितनी समस्या आ रही है मैम, रेलवे इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, अचानक से ये सब कब से हो रहा है? ये तो बहुत पहले से हो रहा था, जैसे हम लोग पहले पर्सनल अकाउंट में पैसा आता था तो बोला जाता था तो उसमें से निकाल के हम लोग देते थे। इस बार हुआ कि केनरा बैंक का अकाउंट खुलाया गया, ये लोग ओटीपी मांगे, ओटीपी मांगकर फिर पिन तैयार किए, एटीएम तैयार किए, उससे पैसा है, रात में पैसा है, सुबह में पैसा निकल गया। हम बोले यही बोले कि मैम आप पहले भी पैसा मांगती थी, हम लोग निकाल के देते थे, वैसे अब भी देते, तक कि मेरे पास 200 वर्कर्स हैं, पीपी सर बोले मेरे पास 200 वर्कर्स हैं, किसी को तकलीफ नहीं हो रहा, आप ही को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। हमको तकलीफ की बात नहीं, अगर कल को इस बैंक से आप 5 लाख हो, लाख हो, कुछ भी हो, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका निकासी उकासी करते हैं आप लोग, तो इसका जिम्मा कौन है? बैंक तो बोले अगर मधुलता के नाम पर अकाउंट है तो मधुलता एटीएम यूज कर रही है, बैंक खाता यूज कर रही है, ये तो नहीं ना कहेंगे कि आपका अकाउंट है तो कोई आपका यूज कर रहा है। बस यही सवाल बोल रही है, जब अगर आपको इतना तकलीफ है तो आप कल से ड्यूटी नहीं है, आप अपना रास्ता देख लीजिए। फोन करके बोला गया कि आप कल से नहीं आ सकती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार यहाँ शंकर सिन्हा है, प्रिया वर्मा है और पीपी सिंह है। तो ये तीनों कौन है यहाँ? यहाँ के सुपरवाइजर है। सर आप लोग काम करते हैं, आप लोग को सैलरी नहीं मिलती, कितना दुख होता है, मेहनत के पैसे हैं? जी हाँ, मेहनत के पैसे, जी मेहनत हम लोग करते हैं, पैसा 5 महीना 6 महीना पर मिलता है, अभी घर कैसे फुल पेमेंट नहीं चलता, कर्जा लेकर घर चलाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप लोग इन महिलाओं को हमेशा इंक्वायरी करते हुए देखते होंगे, मैडम आप लोग काम करते इतना दिन और पैसा नहीं मिलता, घर कैसे चलता है? ठीक है, मेरे घर में है, मेरे हस्बैंड करे उसकी वजह से, ठीक है ना, जिसके दो, लेकिन जो सिंगल कमा रहे उसके लिए ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये चीज इसी लेकर थोड़ा सा। घंटे का ड्यूटी करते हैं? 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी में 5 महीने में से 1 महीने का सैलरी? अब देखिए इंतजार पे होता है ना, चलो अगले में कुछ समय मिलेगा तो थोड़ा समय पर लोग हम लोग लेकर चलते रहते हैं ना, चलो 10 मिनट लेट सही, 1 महीना लेट सही मिलेगा, इस पर थोड़ा लेकिन कहने का मतलब है क्या कि एक सीमा होती है ना इंतजार करने की, चलो समस्या मैंने अपनी समस्या बताते, चलो कोई दिक्कत है इसलिए लेट हो रहा है कोई, तो चलो 2 महीना 3 महीना बाद मिलेगा, तो चलो एक बार 2 ही महीना का मिल जाए, इसी पे होते होते मतलब समय बढ़ते चला गया, तो समस्या होते होते कुछ गंभीर समस्या आते चला गया, ये बात है ना। आप लोग लोगों की परेशानी सुलझाते हैं, पीछे देख सकते हैं कितने लोग हैं, लेकिन जब आपकी इस परेशानी की बात आती है तो कोई सुन रहा नहीं है।
हाँ सही बात है, कोई नहीं सुन रहा है। अगर बोला जा रहा है तो सीधे बोल रहे हैं कि आप हट जाइए, काम से निकल जाइए, लोगों की कमी नहीं है काम के लिए। पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसे? सीधे हटा दिया जाता है, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, अगर बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे कि आप जाइए, बोलो काम करने का कमी नहीं है, दूसरा आ जाएगा। शादीशुदा आप हैं, घर परिवार चलाना होता है, सास ससुर कुछ बोलते नहीं है अगर पैसे नहीं देते? बोलने को तो बोलते हैं, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी हो जाता आदमी को करना, तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आदमी करता है इसी में। चलिए देखिए, रेलवे कर्मचारी थे और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग काम कर रहे थे और इनको सैलरी नहीं मिली, और जब सैलरी आती है तो इनको नहीं मिलती, किसी और के अकाउंट में चले जाती है और इनको इनके हक का भी पैसा नहीं मिलता। रेलवे एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके बावजूद ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं, तो कम से कम ये देखना लाजमी होगा कि सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आईवी टीवी देख रहा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।